इलाज अपने हाथ के इस नए एपिसोड में मैं कुनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इस यूनिक हेल्थ शो के दौरान डॉक्टर पीयूष सक्सेना के बताए हुए क्लेंजिंग थेरेपीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं और कुछ लोग तो इसे आजमा भी रहे हैं और कुछ लोग इसके फैन भी हो गए हैं। ये हमें पता चल रहा है आपके SMS और ईमेल से। डॉक्टर साहब, अपना इलाज अपने हाथ के इस नए एपिसोड में दर्शकों की ओर से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। और आपका भी गौर साहब, प्लीज। और आज डॉक्टर सक्सेना के साथ हमारे बीच मौजूद हैं श्री बीपी गौर। गौर साहब इनकम टैक्स मुंबई के चीफ कमिश्नर रह चुके हैं और आज ये हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे एसिडिटी क्लेंस के बारे में। गौर साहब, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। आज के हर आम और खास शख्स की प्रॉब्लम, बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो चाहे गरीब, जिसे देखिए हर कोई एसिडिटी से परेशान है। दरअसल वक्त बेवक्त खाना, मिर्च मसालेदार और तला भुना खाना, फास्ट फूड की लत, देर रात तक जागना, देर से सोकर उठना वगैरह कारणों से एसिडिटी आज की आम बीमारी बन चुकी है। लेकिन आम होने के बावजूद इस प्रॉब्लम को आम समझने की भूल करना बेवकूफ़ी होगी। एनर्जी लेवल्स का कम होना, थकान महसूस करना, हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्यूनिटी पावर का वीक हो जाना और भी कई सीरियस टाइप्स के प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है एसिडिटी। लाइलाज रहने पर ये पेट के अल्सर तक का कारण बन सकती है। और लोग हैं कि खाना खाने के पहले या बाद में कोई एंटासिड जेल या टेबलेट लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। दवा लो और कुछ ही सेकेंड में राहत। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि दवाओं के सेवन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई या नहीं? सॉल्व हो गई तो आपको बार बार दवा लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? रिलीफ और क्योर में बड़ा फर्क है। कुनिका जी, डॉक्टर पीयूष सही बोल रहे हैं कि रिलीफ और क्योर में बहुत फर्क है। दवा खाने से टेम्पररी रिलीफ हो जाती है लेकिन बीमारी की जड़ तो बनी रहती है। बिल्कुल। और मेरे साथ भी यही समस्या थी। बहुत दिनों तक मैं दवाएं खाकर अपनी तकलीफ से छुटकारा पाता था, लेकिन जब से मैंने एसिडिटी क्लींस किया तब से मुझे परमानेंट रिलीफ हो गई। फैंटास्टिक। दरअसल एसिडिटी को छूमंतर करने के लिए आप जो दवाएं लेते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं बल्कि उसके सिम्टम्स को दूर करती हैं। प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी, वो तो दूर होने से रही। तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब की एसिडिटी का कोई इलाज ही नहीं है? नहीं, इलाज तो जरूर है कुनिका जी। और जैसा मैंने कहा कि कुछ साल पहले मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से मैंने एसिडिटी क्लेंस किया तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बिल्कुल ही चली गई। He is a living example कि इलाज है एसिडिटी का। बिल्कुल है, हम उसी के लिए यहाँ आए हुए हैं। जी। तो बताइए डॉक्टर साहब, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हमारे नहीं, लेकिन एसिडिटी क्लींस को जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि एसिडिटी क्या है, उसकी वजह क्या है और क्यों होती है। तो देखिए, नेचर ने कहा जंगल में रहो, कच्चा खाना खाओ। कोई भी जानवर खाना पका के नहीं खाता। जानवरों को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, एक्सेप्ट पेट्स जो वहाँ। लेकिन हमको पता नहीं ना, जानवर बोल नहीं सकते, तो हमको क्या पता उनको एसिडिटी हो रही है। नहीं, अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी क्यों ऐसा होता है। जानवर जंगल में रहते हैं जी। जंगल की हवा अल्कलाइन होती है, बेसिक चीज है। ग्रीनरी है ना, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है वो। डायरेक्टली आपके ब्लड में अल्कलाइन ऑक्सीजन लंग्स में, वहां से शुरुआत है। जंगल की हवा अल्कलाइन है। जंगल में जो बरसात होती है वो भी अल्कलाइन होती है। आप सुनती जाइए, आप चौंक जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था। नदी, झरने, ये सब अल्कलाइन होते हैं। कुएं का पानी अल्कलाइन होता है, ठीक है। लेकिन ये बात हुई जंगल की। शहर में क्या होता है? शहर में म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, वो साफ होता है क्लोरीन से। जी। जो पानी आ रहा है, जो आप रोज ले रही हैं 35-40 साल की उम्र तक, जो आपकी दिखाई देती है तो इतने में धीरे धीरे जो पानी जा रहा है, एक पीएच का इसमें स्केल होता है जी, जिसमें 7 को न्यूट्रल माना गया है, 7 से ऊपर अल्कलाइन, मतलब एसिडिक एंड अल्कलाइन का बीच का जो है 7 है, न्यूट्रल है 7, और वो न्यूट्रल है। ओके। हमको अल्कलाइन ज्यादा चाहिए, एसिडिक कम चाहिए, ठीक है। जंगल में मैंने बताया सब 7 के ऊपर है, 7.1 है, 2 है ना। हम शहर में लगातार एसिडिक पानी पी रहे हैं, बेशक वो बहुत माइल्ड हो, चाहे 6.95 हो, चाहे 6.99 हो, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर ये काफी असर करता है, ये अक्यूमुलेट करता है। एक हुई पानी की बात, हवा की बात। देखिए वेहिकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, और ये जो असर करेगा ही करेगा। इसके बाद आई लाइफ स्टाइल। तो देखिए नेचर ने कहा जंगल में रहो, कच्चा खाना खाओ, हरी सब्जियां खाओ। हरी सब्जियां अल्कलाइन होती हैं जी, करीब करीब बाकी सब चीजें एसिडिक होती हैं जो हम खाते हैं, जैसे मटन, फिश, चिकन, ये सब तो ही है। हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब पीएच लेवल पे हाईली एसिडिक हैं जी। और चाय, कॉफी, स्टिमुलेंट्स, सब कुछ एसिडिक है। जब इतना एसिड्स बॉडी में जाएगा तो बॉडी कितना बर्दाश्त करेगी? एसिडिटी के कुछ मेजरमेंट्स होते हैं पीएच के बॉडी में, जैसे एक होता है स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड, एक होता है ब्लड का पीएच, और तीसरा होता है सलाइवा का पीएच। ओके, ये तीन स्टैंडर्ड है। मतलब हमारे थूक के अंदर भी एक एसिडिक लेवल होता है। हाँ बिल्कुल, उसका पीएच बैलेंस होता है। हाँ बिल्कुल, हमारे ब्लड में भी होता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड में भी होता है जी। अब देखिए अब क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है नेचर क्या भेजता है और हम क्या हो जाते हैं। बच्चे के पैदाइश के टाइम पे उसका सलाइवा का पीएच 7.4 होता है। स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड का पीएच चेंज नहीं हो सकता, ब्लड उसको मेंटेन करेगा। ब्लड का पीएच चेंज नहीं हो सकता। अगर किसी वजह से ब्लड का पीएच चेंज हो रहा है तो ब्लड का पीएच चेंज होने में ब्लड बॉडी से अल्कलाइंस ड्रॉ करेगा। इट्स इंटरेस्टिंग। ब्लड का पीएच डिफाइंड है 7.35 से 7.45 के बीच में, ब्लड अल्कलाइन है, ठीक है। उसका पीएच अगर डाउन होने लगेगा तो वो बॉडी से अल्कलाइंस ड्रॉ करेगा। ओके, हड्डियों से कैल्शियम जाता है। उसको अल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर ब्लड का पीएच कम हो गया तो डेथ हो जाती है। और नेचर बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो ये सिस्टम ब्लड ने बनाया हुआ है। माय गॉड। अब तमाम दर्द का कारक एसिडिटी है, बिकॉज जॉइंट्स कमजोर हो जाते हैं, बिल्कुल हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और इसीलिए वो कैल्शियम लेवल भी बॉडी में कम हो जाता है इफ यू गॉट एसिडिटी। करेक्ट करेक्ट। अब आप कैल्शियम की बात कर रही हैं, मैं ये भी बता दूं कि कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं मैं उनके फेवर में नहीं हूँ। क्यों? सिंपल आर्गूमेंट है, आप कैल्शियम चाहे जितना ले लीजिए उसको पहुंचने तो दीजिए ब्लड तक। और अगर किडनी क्लीन नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कलाइन Substances is more important than taking them. मैं कहता हूं कि हमारे नॉर्मल खाने में सफिशिएंट अल्कलाइंस और कैल्शियम अवेलेबल है, बशर्ते उनका एब्जॉर्प्शन होने लग जाए। डॉक्टर साहब, मैं अपनी जिंदगी का एक पर्सनल वाकया बताना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ था तो हम लोग अमेरिका में थे और वो अमेरिका में ही पैदा हुआ, तो ऑब्वियसली डॉक्टर भी अमेरिकन ही थे, डॉक्टर मार्टिन। तो मैंने उनसे ये कहा था, क्योंकि मुझे बड़ी फिक्र रहती थी कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो उसके दांत सही होने चाहिए, उसके हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, उनके बालों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि भाई माँ अगर सही न्यूट्रिशन ले तो उससे बच्चे के सेहत पर असर होता है। तो मैंने उनसे बहुत बार ये उनको पूछा कि भाई मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। एक दिन मैंने कहा, देखिए आप मुझे, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं बीफ नहीं खाती हूँ, तो बीफ छोड़कर आप मुझसे जो भी कहेंगे खाने के लिए मैं सब खाने को तैयार हूँ अपने बच्चे के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम बहुत बार मुझसे पूछ चुकी हो, तुम इंडियन हो? मैंने कहा बिल्कुल। तो इंडियन खाना खाते हो? मैंने कहा हाँ, ज़्यादातर हम लोग इंडियन खाना खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल वगैरह। तो बोले देखो मैं अमेरिकन हूँ लेकिन मेरी शादी एक ट्रिनिडेडियन से हुई है, और ट्रिनिडेड आप जानते हैं, सूरीनाम, ट्रिनिडेड, गायाना, ये सब हमारे कॉलोनीज होती थी ब्रिटिश के, हमारे ही देश के लोग जाकर बसे हुए। तो उन्होंने कहा कि वो हम जो खाना खाते हैं वो आपका ही खाना हम लोग अपने घर में भी वैसे ही खाते हैं, क्योंकि आप लोगों का इंडियन खाना जो है वो बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स और मतलब इट्स अ वेरी बैलेंस्ड डाइट। सो दैट वॉज वेरी एनलाइटनिंग टू नो कि हमारा जो हिंदुस्तानी खाना है वो इतना बैलेंस्ड और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। ये ऐसा है इसमें कि अमेरिका में जो खाना होता है ना उसमें हार्मोन्स का बहुत इस्तेमाल होता है, चाहे चिकन हो या कैटल फीड हो या मिल्क वगैरह जो भी हो, दूध हो, हर चीज बहुत बड़ा बड़ा। और वो लोग भी बहुत यूज होते हैं। हार्मोन जो है जाके स्लो प्रोसेस में 10-20 साल बाद तक असर करते हैं, और इसीलिए हैवी वेट्स, इतने 200-200 किलो के आदमी जो अमेरिका में दिखाई देते हैं उनके ओरिजिन यहाँ पे। और आप उनके बास्केटबॉल प्लेयर्स को भी देख लीजिए, 7-7 फुट के होते हैं। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि उनके यहाँ बेक प्रोडक्ट्स का बहुत रोल होता है, जैसे ब्रेड का जी, है ना जी। और बेकरी इन इटसेल्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और हमारे यहाँ घरों में जो दाल, चावल, रोटी बनता है इसमें बेकरी का रोल नहीं है, बिल्कुल, इसलिए ये ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, बेकरी के प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपने कुछ पहले मेंशन किया था कि फर्मेंटेड, मतलब खमीर किया हुआ खाना, खमीर किया हुआ एक चीज, और उसके बाद उसमें चमक देने के लिए ये एक पॉलिश करते हैं। वो नुकसान करते हैं, वो जो यीस्ट वगैरह जो यूज करते हैं, जो पॉलिश करते हैं। तो लेकिन खमीर तो हमारे देश में भी हम लोग इडली डोसा तो खमीर करके बनाते हैं, कुछ नान और बड़े बड़े जो रोटियां बनती है वो भी खमीर रोटी। नान जो है उतना हेल्दी नहीं है जितना आम चपाती है। हाँ, लेकिन एक दो बार खाने में इतना फर्क नहीं पड़ता है। उनके यहाँ रोज उनका जो स्टेपल डाइट लगातार वही खाते हैं, इसका असर पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइए, कच्चा बच्चा आप खाने को कहते हैं, लेकिन अब कच्ची सब्जियां खाओ, उसमें आपकी जो वहाँ के जो सब्जी वाले की जो गंदा पानी या कीटाणु या पेस्टिसाइड्स वो सब आपको असर करे और उसके लिए अलग बीमारियां हो, तो इससे अच्छा कि हम बॉईल करके या पका कर खाएं, वही बेटर है ना, और सुरक्षित रहें। हाँ, कम से कम कीड़े वीड़े नहीं आए। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा होता नहीं है जी। देखिए, परसेप्शन ज्यादा है ये। मैं आपको तीन किस्से आपकी लाइफ से जुड़े हुए सुनाता हूँ। बताइए। बहुत कहा जाता है बॉइल्ड पानी पियो और उबाल कर मिनरल वाटर, दिस एंड दैट। कितने लोगों को आपने सुबह के समय ब्रश करने के टाइम बॉइल्ड वाटर से कुल्ला करते देखा होगा या मिनरल वाटर से? नहीं ना, नहीं। अगर कीटाणु पहुंचना होते तो उस वक्त ही पहुंच गए होते, बाकी टाइम का क्यों इंतजार करते? दूसरी चीज, सब्जियां जो हैं कहीं से भी आती हो, आप भी सलाद तो कच्चा ही खाती है ना। हाँ। चाहे जहाँ भी जाए। जी बिल्कुल। सलाद कभी उबाल के नहीं खाया जाता। नहीं, नहीं। अगर कीटाणु पहुंचने होते तब से पहुंच गए होते। बिल्कुल। तीसरी चीज, आप बंबई में बहुत समय से हैं, 9 साल पहले यहाँ हैवी फ्लड्स आए थे। कहा जाता है कि म्युनिसिपैलिटी के नलों में सीवर का पानी बह गया था। बिल्कुल, आई एक्सपीरियंस दैट। कोई महामारी नहीं आई थी। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों की तो फिक्र ही नहीं होती उसको। इन्फेक्शन इतनी आसानी से नहीं लगते। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उन लोगों की, ये सब बेचने के लिए। तो उस डर से बाहर निकलिए और आम नेचुरल हेल्दी इंसान की तरह रहिए। और ये क्लींस करके तो वैसे भी इम्यूनिटी इतनी हाई होने वाली है कि बड़ी बड़ी चीज़ों के असर नहीं होंगी, तो बहुत छोटी सी चीज़ रही। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि अगर हम ये क्लींस करते रहें तो बॉडी में इम्यूनिटी इतनी अच्छी डेवलप हो जाएगी कि ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल असर नहीं करती। तभी तो ये रेगुलर खाना, रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए और इररेगुलर अपनी क्लेंजिंग करते रहिए। इसी तरह कहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि मिनरल वाटर का जो ये ट्रीटेड वाटर होता है उसका पीएच बैलेंस कभी आपने चेक किया है, क्या होता है? कई बार वो कह के देते हैं 7.2। जी ठीक है जी। उसके बीच में लिखा होता है व्हेन पैक्ड। ठीक है। अब आपके पास आते आते तक क्या वैल्यू बचेगी, कह नहीं सकते उसकी। दूसरा, आप कितना पानी लेंगे, कितना पिएंगे, कितना पीएच इंप्रूव करेंगे। और मैं जो बात करता हूँ, बंबई से दिल्ली बैलगाड़ी से नहीं पहुँचना है, हवाई जहाज से पहुँचना है ना। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास भी, अपने पास भी। पीएच वैल्यू ठीक करनी, एसिडिटी से छुट्टी पानी। आप मुझे कितना टाइम देंगे? 2 दिन से ज़्यादा तो आप कहेंगे अरे इतना लंबा इलाज मैं नहीं करने वाली। डॉक्टर साहब, कमाल की बात बताई आपने। आपने कहा कि महीने में अगर हम 2 दिन एसिडिटी क्लेंस करें तो हम जिंदगी भर इन गोलियों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? हाँ, एक्चुअली मजे की बात यह है कि हम लोग अपना भला कम और फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टर का भला ज्यादा सोचते हैं। और मैं तो इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। पहले गोलियों के भरोसे जीता था और बाद में उनसे बिल्कुल ही निजात मिल गई। डॉक्टर साहब, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक भी एक्साइटेड हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी से एसिडिटी क्लेंस के बारे में डिटेल में बताइए। बहरहाल कुनका जी, एसिडिटी क्लेंस के बारे में बताने के पहले मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि एसिडिटी से होने वाली समस्याएं कितनी गंभीर हो सकती हैं। होता क्या है कि जो मेडिसिन सप्लाई करने वाली कंपनियाँ हैं, वो जब एसिडिटी के लक्षण बताती हैं तो वो इस समस्या को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती है और हमारे श्रोता और पेशेंट्स को ये पता नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम कितनी गंभीर है और कहां तक जा सकती है। तो वो भी इसे बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही, उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। तो उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में एक नज़र हमको चर्चा करना जरूरी है। जी, एसिडिटी के काफ़ी खतरे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, रोग प्रतिरोधी क्षमता का कम होना, थकान, फूड एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में प्रॉब्लम। शरीर में मिलने वाला सबसे अल्कलाइन मिनरल कैल्शियम है। कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ब्लड का पीएच कम हो जाने पर शरीर ब्लड के पीएच का बैलेंस बनाए रखने के लिए हड्डियों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे ऑस्टोपोरियोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण समय से पहले ही दिखाई देने लगते हैं। इंसुलिन लेवल बढ़ने लगता है, फैट बर्न होने के बजाय शरीर में जमा होने लगती है, बॉडी वेट बढ़ने लगता है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का अहम रोल होता है। नर्व्स, हार्ट और मांसपेशियों की सेल्स को अपने बाहरी आवरण यानी मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की खास ज़रूरत होती है। किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज वगैरह अंगों पर काम का बोझ बढ़ जाता है। रक्त का पीएच उपयुक्त लेवल पर अल्कलाइन बनाए रखने के लिए इन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसका बुरा असर खुद इनकी हेल्थ पर भी पड़ता है। एसिडिटी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर यानी हाइपर एसिडिटी की स्थिति में पेट में अल्सर का होना काफ़ी आम है। डॉक्टर साहब, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक हो सकते हैं, ये शायद हमारे दर्शक भी नहीं जानते। और इलाज बहुत आसान है। ग्रीन वेजिटेबल जूसेस हमारे शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम करते हैं। ब्लड में और क्लोरोफिल में अद्भुत समानताएं हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं तो रसायन शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूं। अगर आप ब्लड का केमिकल कंपोजिशन देखें तो वो है C34, H32, O4, N4, Cl, Fe। इसमें फेरम यानी आयरन की उपस्थिति है। और अगर हम क्लोरोफिल का कंपोजिशन देखें तो उसका फार्मूला है C55, H72, O5, N4, Mg और इसमें मैग्नीशियम उपस्थित है। तो जब ये क्लोरोफिल हमारे शरीर में जाता है ग्रीन वेजिटेबल जूसेस के थ्रू और ये टूटता है तो मैग्नीशियम और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को उपलब्ध हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत ही बेनिफिशियल एंजाइम्स हैं, फाइबर है। तो इन सब चीज़ों से होता यह है कि हमारी बॉडी में हम जो कोई भी चीज़ इंटेक करते हैं उसका इंजेस्शन बहुत अच्छी तरह से होता है और हमारा इम्यूनिटी लेवल अपने आप ही आगे चलने लगता है। So there's a chemical formula to this whole thing. जी जी। तो अब डॉक्टर साहब हमें बताइए कि हमें किन किन वेजिटेबल, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अल्फाल्फा स्प्राउट्स, चुकंदर, करेला, लौकी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, सेलरी, खीरा, लहसुन, अदरक, आंवला, हरा टमाटर, नींबू, नींबू के बीजे नहीं लेते हैं लेकिन छिलका लेते हैं, पुदीना, पार्सली, मूली, पालक, शलगम। डॉक्टर साहब, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब इतनी सारी सब्जियों का जूस निकाल के पिए और इतनी सारी सब्जियां मिलेंगी कहाँ से? मैंने कब कहा कि सारी सब्जियां लाइए, इसमें से जो मिल जाए वहां से शुरुआत कर दीजिए। बस लेके कहीं से भी शुरुआत कर दीजिए, उसको पीएच को इम्प्रूव होने दीजिए, आप असर देखती जाइए, अपने आप बेहतर हेल्थ मिलती चली जाएगी। तो लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो सब्जियां हैं आजकल वो ऑर्गेनिक का बहुत चलन चला है, तो ये ऑर्गेनिक होनी चाहिए या फिर रोजमर्रा की जैसे हम? आप रहना तो भारत देश में ही चाहेंगी या हमेशा विदेश और भारत के बीच में कटिंग करेंगी? आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। मी टू। ठीक है, जो मिलता है उसको एक्सेप्ट कीजिए। इन्हीं बाजारों की यही सब्जियां खा के बाकी जनता भी जिंदा है और खुश है ना। जी जी। जो आम इंसान को मिल सकता है वो ले लीजिए, सिर्फ ये देखिए कि आप क्या उसमें कर सकती हैं। ताज़ी सब्जियां लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ताज़ी सब्जियां ली कैसे जाती हैं। आपके घर के पास जो भी सब्जी वाले की दुकान हो उससे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि हमें इलाज के लिए सब्जी चाहिए जी, और उसका टाइम पता कर लीजिए जी। नॉर्मली रेजिडेंशियल कॉलोनीज के पास जो सब्जी वाले होते हैं उनके यहाँ 11-11:30 बजे ताज़ी सब्जी आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हालांकि हमारे दर्शक के पास ऐसी सुविधा होगी लेकिन कुछ किसी के पास घर में जूस बनाने की सुविधा ना हो, तो क्या वो हरी सब्जियां खा सकते हैं? मतलब एक औसत दर्शक का वजन 70 किलो के करीब होगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम उसकी बॉडी में जो ग्रो की है ओवर ए पीरियड ऑफ 30, 40, 45, 50 ईयर तक ग्रो की है। हाँ। उसको तोड़ने के लिए कुछ वजन तो चाहिए ना सब्जी में। आमतौर पे कच्ची सब्जी ज्यादा खाना पॉसिबल नहीं होता। मैं कितना भी कहूं कि खीरा खा लीजिए, 2 किलो खा लीजिए, नहीं खाया जा पाता है ना। इसको दूर करने के लिए जो जूस होता है ना ग्रीन वेजिटेबल, ये आसानी से पेट में चला जाता है। भाई आंख बंद की, गटक के पी गई है और उतने से काम हो जाता है। इसलिए हम ग्रीन वेजिटेबल जूसेस की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, फिर इतनी सारी वेजिटेबल जूस पिए और ये सब, तो विटामिन की गोली क्यों नहीं खा ले? ये सारे मैग्नीशियम और आइए ना। हाँ। आपको अगर इतनी चिंता है डॉक्टर्स की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की और वो दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों की, आप जरूर खाइए। उनसे आपको होने वाला कुछ नहीं है क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। और ग्रीन वेजिटेबल जूसेस हमेशा तुरंत एब्जॉर्ब होते हैं और ये नेचर की बनाई हुई चीज है. Gaur sir, you agree with what he said? Yes, yes, because this is why the green juices are termed green blood. अच्छा हाँ. The ingestion within the body is as easy as that of blood. मतलब उसे green blood इसीलिए कहा जाता है because वो body में उसी तरह से absorb होता है. जैसे हमारी और चीजें absorb होकर blood में बनती हैं और blood हमें sustain करता है. उसी तरह से ये green blood जब body में जाएगा तो ये अपने आप immediately हमें sustain करना शुरू कर देता है. अच्छा और एक और सवाल मुझे बताइए, ये जूसेस तो आजकल टेट्रा पैक में तो कई जूसेस मिलते हैं, कैरेट, पोमेग्रेनेट, गुआवा और कितने ब्रांड्स, और सब कहते हैं नो एडेड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव, तो हम ये क्यों नहीं पी सकते? मैं फ्रेश वेजिटेबल यूज करता हूँ, उसके असर बेहतर है. लेकिन सच बोलूं गौर साहब, मेरा तो मन नहीं मानता है. उस सड़क पर सब्जियां जब बेचते हैं, धूल मट्टी और वो गंदा पानी जिससे वो धोते हैं, कीटाणुओं का बहुत डर लगता है. तो अगर मैं ये सब्जियां बॉईल करके पी लूं तो कैसा रहेगा? नहीं, बॉईल करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि बॉईल करने से एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो हैं वो मर जाते हैं, पानी में ही निकल जाते हैं. हाँ, वो पानी में निकल जाते हैं, तो उसका फायदा अपने को होगा नहीं जी. और अगर आपको सफाई के लिए बहुत कंसर्न है तो इतना कर सकते हैं कि जो सब्जियाँ आप खरीद कर लाती हैं उनको आप पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन से धो दें. तो मतलब ये कितना 10-15 मिनट भिगो दें उसे पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में, कुछ मिनट, उसके बाद नॉर्मल पानी से धो दें. उसको नॉर्मल पानी से धुलकर साफ करना पड़ेगा. हाँ. फिर उसे यूज कर, लेकिन फिर बात वही आ जाएगी, नॉर्मल पानी फिर से पड़ जाएगा. तो इट्स एक्चुअली माइंड, दिमाग में ये सिर्फ एक वो है, वहम है. सो वी मस्ट जस्ट उसको ओवरलुक करना पड़ेगा. अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी हो उसके लिए ये सारी सब्जियां हर एक बीमारी में काम आएंगी? नहीं, लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छा है. मैंने अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन की लिस्ट दी हुई है जी, मेरी साइट पे अवेलेबल. www.drpiyushsaxena.com. फोन नंबर्स 09167130000. दूसरा नंबर है 09322356008 और तीसरा नंबर है 09833169508. ईमेल एड्रेस है cureyourselfindia@gmail.com. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट कर लें जी. जनरल ट्रीटमेंट की प्रोसेस में ही कई चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं. ओके. उसके बाद जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम बची है उसको अलग से एड्रेस कर लेंगे. ठीक है. और ये आपकी वेबसाइट पर ये डिटेल्स है कि आपको ये बीमारी तो आप हाँ, वो भी है. तो जो भी बीमारी है एसिडिटी क्लेंस करेंगे तो वो बीमारी पर भी उसका असर होगा, मतलब वो बीमारी काफी पॉसिबिलिटी है ना. जैसे कि आपने कहा कि एसिडिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. बिल्कुल लंबी लिस्ट है. बिकॉज एसिडिटी इन इटसेल्फ इज नॉट अ बीमारी, इट्स अ सिम्पटम. योर बॉडी बिकम्स एसिडिक एंड देयरफॉर यू फील एसिडिटी जी, राइट. उसकी वजह से कई तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं. तो मैं तो बहुत इनलाइटेड हो गई हूँ आज, मुझे इतनी जानकारी मिल गई है और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एसिडिटी क्लेंस ट्राई करने के लिए. और मुझे लगता है आप इस एसिडिटी क्लेंस को आजमाने के लिए बेताब हो रहे होंगे. बेताबी तो और बढ़ेगी जब आप ये जूस पिएंगी. ये मैं खास तौर से आप दोनों के लिए बना के लाया हूँ. एसिडिटी क्लेंस में अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हरी सब्जियों का जूस कैसे निकालते हैं. ये पुदीना है, ये लौकी है, गाजर, करेला, खीरा, आंवला, लहसुन, नींबू. मैं अब आपको दिखाता हूं कि कैसे इसका जूस निकालते हैं. कुछ सब्जियां काट के प्रयोग की जाती हैं और कुछ ऐसी ही डाल दी जाती हैं. देखिए ये लौकी है, ये खीरा है. खीरा के किनारे निकालने की जरूरत नहीं है, लौकी के लिए जरूरी था. ये टमाटर को भी ऐसे का ऐसा डाल देते हैं. ये करेला है, करेला के मैंने किनारे निकाले हुए हैं. ये आंवला है, आंवले के बीज जरूर निकाल देना चाहिए और आंवला बहुत गुणकारी है. अब यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं कि मैं हरी सब्जियों के जूस की बात कर रहा था. ये जूस अभी तक हरा है, लेकिन जब हम इसमें गाजर डालेंगे तो आप देखेंगे इसका रंग बदलने लगेगा और ये थोड़ा थोड़ा लाल होने लगेगा. और ये हमने इसमें चुकंदर डाला, अब ये पूरा लाल हो जाएगा. इसका ये लाल रंग आयरन की वजह से आता है. ये पुदीना है, इसके भी डंठल नहीं डाले जाते हैं. ये लहसुन हो गया। नींबू को छिलके के साथ इस्तेमाल करते हैं और इसके बीजे नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके बीजे नुकसान करते हैं। बीजे निकाल दिए जाते हैं और अब ये जूस हमारा तैयार है। और ये जो इसके अंदर बच जा रहा है गूदा, इसमें अभी भी जूस बाकी है, तो इसको अलग करके इसमें से पानी लेके इसको फिर थोड़ा आटे की तरह मार लेते हैं और दोबारा प्रयोग करते हैं। तो बहुत टेस्टी है। हाँ बिल्कुल टेस्टी है। वैसे एक बात बोलूं डॉक्टर साहब, मुझे भी ना चटपटा और चटाकेदार खाने का शौक है, तो इसमें मैं नमक नींबू कुछ भी डाल सकती हूँ? वैसे भाई देवे चटपटा और चटाकेदार खाना ना मुझे भी बहुत पसंद है, और आप इसमें बिल्कुल कुछ भी स्पाइस डाल सकती हैं, नमक, भुना जीरा, नींबू, जो आपकी मर्जी। चाट मसाला? हाँ हाँ बिल्कुल डालिए। फैंटास्टिक। हाँ हाँ। तो देखा आपने, ये है एसिडिटी का इलाज, ग्रीन वेजिटेबल जूस, जिसे हम ग्रीन ब्लड भी कह सकते हैं। आप लोग जरूर इसे आजमाइएगा। अपना इलाज अपने हाथ के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ और नए क्लेंजिंग थेरेपीज को लेकर। गौर साहब, यहाँ मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू कुनिका जी। फिर मिलेंगे, तब तक आप कुनिका को इजाजत दीजिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।